आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। सड़कों पर सख्ती के साथ पूर्णिया पुलिस, मास्क नहीं लगाने वालों के साथ सख्ती बढ़ती गई, जबकि बिना हेलमेट वालों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स भी दिख रहे हैं तैनात। शहर के आरंशाह चौक पर एक साथ सैकड़ों गाड़ियां पकड़ी गई, जिसके कारण मुख्य चौराहे पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ का कारण वाहन चेकिंग था। दरअसल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। शहर के आरंशाह चौक पर सदर SDPO आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में सहायक खजांची थाना के अध्यक्ष अमित कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे। बिना मास्क वालों को जागरूक करते हुए मास्क के महत्व को बताया गया, लेकिन जो वाहन यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनके चालान काटे गए। सदर SDPO ने बताया कि कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन राहत के बाद से ही लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है। सर, किस चीज़ की जांच चल रही है? कोरोना के समय में बिना हेलमेट बिना मास्क के जो लोग निकल रहे हैं उसकी जांच हो रही है। तो सर बगैर मास्क वाले के भी यहाँ पर चालान काटे जाएंगे क्या? चालान नहीं काटा जाएगा, समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है।